गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 63वीं बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन को आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं सेक्शन वन। दोस्तों, इसमें जनरली पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं और पॉलिटी से रिलेटेड जो करेंट चर्चा में है उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जाँच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है? दोस्तों, रिसेंट 6 महीने में काफ़ी चर्चा में था निर्वाचन आयोग, इसके कार्यप्रणाली को लेकर कई पार्टियों ने सवाल उठाया था। इन सब मुद्दों को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों दो क्वेश्चन नंबर दो। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति के बजाय विकास की राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के क्या प्रभाव हैं? नेक्स्ट दोस्तों, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है, प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। अब आते हैं हम लोग दोस्तों सेक्शन दो में। सेक्शन टू में दोस्तों जो सिक्स नंबर क्वेश्चन वो ये है कि वर्तमान में भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु उपाय तथा सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये भी करंट से ही है। 2022 तक किसानों को आय दोगुना करने का टारगेट रखा गया है और बहुत सी समस्याएं आ रही है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को लगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर। भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम उठाए जा रहे हैं? पहले हम बताएंगे कि कितना गरीबी है इंडिया में, अभी जो भी कमेटी बनाई गई थी गरीबी से रिलेटेड उसको बताएंगे। फिर बताएंगे कि क्या कारण है कि अभी तक गरीबी खत्म नहीं हुई और सरकार द्वारा क्या प्रयास चलाए जा रहे हैं उसको डालें। खास करके बिहार का भी संदर्भ लेंगे क्योंकि बिहार में थोड़ी गरीबी ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में, तो बिहार का संदर्भ लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में स्थापित हो पाए हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें एवं भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की विस्तार से व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान की चर्चा करें, साथ ही साथ नई खनिज नीति के प्रमुख बातों को बताएं। इस तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं सेक्शन टू के सारे क्वेश्चन को देखें हम लोग। इसमें जनरली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन टू में, और 4 क्वेश्चन इसमें इस बार आए हुए हैं। 4 में से 3 क्वेश्चन को लिखना आपको है। नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन 3, इसमें जनरली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार सहायक है? विस्तार से समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है चर्चा कीजिए करें। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की है? एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता मिली है? दोस्तों, ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन हमारे जो स्पेस जो डेवलपमेंट हुआ है खासकर इसरो की जो उपलब्धि है उनसे लेकर क्वेश्चन हर साल आते हैं बीपीएससी में। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? देश के आर्थिक विकास में कैसे सॉफ्टवेयर उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है समझाइए। कंप्यूटर की भाषाओं के विकास पर अपना मत स्पष्ट करें तथा समझाएं कि हमारे देश का इस क्षेत्र में क्या योगदान है। आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट जो हुआ है हमारे देश में उन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है? निकट भविष्य में पूरा विश्व इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण पानी में डूब जाएगा। उक्त कथन पर अपने विचार स्पष्ट किए। दोस्तों, ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर भी हर साल लोगों क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पूरा जीएस पेपर 2 के सारे सेक्शन को देखा। दोस्तों, इसमें टोटल टोटल दोस्तों इसमें 13 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें
सेक्शन वन से दोस्तों आए हुए हैं आपके, सेक्शन वन से 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन को लिखना है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन दो में दोस्तों 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन को लिखना है, 1 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। और सेक्शन थ्री में 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को लिखना है, मतलब टोटल आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 13 में से। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।